राम राम सारे बहन भाई है ना भाई, ताई ताई ने छोटे बालकों ने याने छाने में मैं सुन तारा हरियाणी पत्रकार पासाराम दत्तरवाल और उकलाना हल्का अपन सर्वे करे ना उड़े एक नाम बड़ा लोगों में सुनया है जे हल्का में गामा में गुजरे कांदा में भी लिखा देखा ताई ताऊ ने बात करी तोड़े भी एक चीज सुनने मिली आशा खिदड़ फिर महाराज जी करे उस ते मिल लिया बातचीत करा उसमें इसी के काबिलियत है लोगों की जुबान पैगी व चर्चा का विषय बनगी और सारे बड़े छोटे याने छाने सारे चावे हैं आज हमारे गल हैं आशा रानी खिदड़ उन तम बेबाक बातचीत करांगे खुद खुद के सारे अच्छे खाटे मीठे सारे सवाल पूछांगे। आशा जी आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पासा राम जी। आशा जी पहले तो मैं बताओ आपने यू राजनीति का चस्का कटता लग गया। देखिए मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवा की इच्छा थी उसी नाते इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। राजनीति में आप कब तो उतरे, छात्र जीवन तो उतरे कई बे जुकर अपने देखने लग रहे हैं उकलाना हल्का खास तौर पर बात करा बे कई दो जमा पाँच दिन पहले उतरे हैं आप राजनीति में कदाए थे। राजनीति का जैसा आपने कहा मैं कॉलेज टाइम से मैंने ABBP में भी काम किया और यूनिवर्सिटी में भी मैं पदाधिकारी रही हूँ। उसके बाद फिर विवाह उपरांत कुछ समय का गैप आ गया था और फिर से आप देख रहे हैं हम राजनीति में सक्रिय हूँ। नहीं उकलाना हल्के की बात करें उकलाना हल्का में कैसी सक्रिय थे आप। देखिए मेरा गांव है खेदड़, वो उकलाना विधानसभा का हिस्सा है। ये तो गांव भी बड़ा ले रहे हैं आप तो फिर। हाँ उकलाना विधानसभा का सबसे बड़ा गाँव है मेरा गाँव। तो गाँव उकलाना विधानसभा में होने के नाते कार्य क्षेत्र यही हो गया और रिजर्व सीट थी इसलिए मैंने उकलाना क्षेत्र अपना है जो उसमें काम करना शुरू किया। अच्छा न्यू बात करा ना आप छात्र जीवन राजनीति में तो सक्रिय हो गए थे उसके आपकी शादी होगी खेदड़ में होगी और सबसे बड़ा लक था आपका बड़ा काम आ गया आप उसमें आपने तो कौन से नेताओं वाला काम कर लिया किस गले मिलना जुलना रह लिया। देखिए क्योंकि पार्टी की पदाधिकारी होने के नाते और उसमें भी जिला के महामंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, चाहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी हैं और जितने भी सीनियर नेता हमारे यहाँ आए उन सबके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अगर मैं बात करूँ केंद्र में तो हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं ऐसे भाई अमित शाह जी, उमा भारती जी, शीर्ष नेतृत्व सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, उन सबसे मिलना हुआ। इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि इसी जीवन में ऐसे नेताओं से मिलने का और उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। नरेंद्र मोदी की बात करें ना पहला तो और था और पिछले प्लान ने छोड़ा नए प्लान में तो जमा चमक रहा था आप तो फतेहबाद भी उनका दौरे जाए पहुंचे थे जी। वो उन्हीं की तरफ से कार्यकर्ताओं से मिलने की इच्छा थी और वो सौभाग्य ये रहा कि उन कार्यकर्ताओं में मेरा भी नाम था इसी नाते उनसे मिलना हुआ। अच्छा एक काम दाओ लोग है ना राजनीति में सक्रिय हुए उन्होंने कई तो पूरी जिंदगी गुजर जाए है कि पहचान बना देने वो इशार जिला में हम देखने लग रहे हैं चाहे मुख्यमंत्री आओ चाहे प्रधानमंत्री आओ चाहे अमित शाह कोई आओ जमा सारानी खेदड़ सारे छाई रहो है के रखे चा जी। ये पार्टी का आशीर्वाद है। मैंने जैसे आपसे कहा माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका आशीर्वाद ही है जो स्नेह करते हैं। और चाहे ज़िले की टीम है जिसमें डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र पुनिया जी हैं, हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी भी यहाँ से हैं, तो वो सब का प्यार प्रेम स्नेह मुझे मिलता है इसी नाते सब जगह आगे रखा जाता है। अच्छा ये तो थे जमा मीठे मीठे सवाल करेला वर्ग मीठे और बता दो उकलान कमा में गणे घूम हाँ और उकलाना हल्का का विकास भी देखा तो BJP ने अच्छा करा था फिर आज लड़न खतर भी आया हाँ आप गल में उकलाना हल्का की सारी गाल तोड़ दिया अपने तो बाड़ू रेत बना दिया गाला का अंडन कजमा। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि हमने सारी गलियां तोड़ दी तो बनाई भी BJP सरकार ने ही है, इससे पहले किसी सरकार ने ये प्रयास नहीं किया, तोड़ियां तो दोबारा भी बना देंगे। नहीं आपने तो छड़दम तर रखे जमा सिर पर ठालिया पूर्वा उकलाना हल्का और गाल तो इतनी तोड़ दी मेरे ख्याल जो आप विधायक बन गए ना अगले 5 साल में आपकी तोड़िए गाल बन पाऊंगी। आम जन से मिलना उन तक पहुंचना वो रास्ता वही है जो आपने बताया और उनकी समस्याएं सुनने के लिए ताकि हमारी जो इच्छा है अंत्योदय की एक योजना जो प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई उसके निमित्त जब तक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे उनका कार्य नहीं होगा, जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी। उसके लिए अगर लगता है कहीं कोई दिक्कत आ रही है कहीं सड़कों की समस्या है तो मैं आपसे तो क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आपने कहा आप लड़ने आए हैं और जैसा भाजपा सरकार ने काम किया आगे भी करती रहेगी, सड़कें हों कुछ भी हो हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। अच्छा एक काम और बताओ मैं है ना गाँव में घूमे सर्वे करे उकलाना हल्का का
और जो अनपढ़ बोला ना अपने ताऊ ताई पाव हैं जो जिसने राजनीति का कुन बेरा राजपाट का कुन बेरा बे अपना गांव का सरपंच का कुन बेरा उसने शायद लेकिन वो एक चीज गवे हैं मोदी रासा के पिलाए उनने सा। ये मैं आपके माध्यम से उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, बार बार आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इतना स्नेह वो लोग दे रहे हैं। जैसा मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया रात्रि प्रवास, हो सकता है आपकी नॉलेज में हो, उसके तहत हर गांव में जाना, सारा दिन वहां लगाना, शाम को किसी के यहां भोजन और किसी के यहां रहना और अगले दिन फिर किसी कार्यकर्ता के यहां या किसी भी पार्टी के जो समर्थक हैं भाजपा के उनके यहां भोजन करना, ऐसे करके लगभग 18 से 20 घंटे मेरे उस गांव में गुजरते हैं। उसके निमित्त बहुत सारे परिवारों से मिलना होता है, उनके सुख दुख में मिलना, बात करना, सब चर्चाएं करनी, तो कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है कि सब लोगों का इतना प्यार और इतना स्नेह मुझे मिल रहा है। अच्छा, रात्रि प्रवास पे एक बात हो रही है कि जो लीडर है ना, आप भी लीडर बन गए, तो कार्यकर्ता को चाहे अपना कार्यकर्ता खुद ना मानने जाओ लेकिन लीडर में गिनती आएगी। लीडर तो ना रात ना इसी कमरा में सोया कर रहे हैं, आप गरीब कुकर सोए कर रात कट जाए कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया, मच्छर मुगने हो गर्मी टाइम है, कुछ भी नहीं था। और ये कहने की बात है, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ और वैसे ही ज़िंदगी जीती हूँ, और वहाँ जाकर रहने में मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार और बहुत अपनापन उन लोगों से मुझे मिला। उसके बाद भी जैसे रात्रि प्रवास हुए, उसके बाद भी जिस गांव में रहा, बीच बीच में मैं जाती हूँ, वहाँ समय देती हूँ। उकलाना हल्के की बात करा तो अडेटिक रास्ती भी जान गए हैं, आपने खुद ने कटसरी पाओ उसमें भी देखा, ज्यादातर पर इलेक्शन नजदीक आ गया, ये आचार संहिता लगने में 15-20 दिन रह गए, जो जो आचार संहिता लगने नजदीक आ उन्हें इतने रोज के नए लीडर आंदे जान लग रहे हैं। देखिए, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी चाहे वो मांगने के लिए खड़ा हो सकता है, और ये संगठन ने तय करना है, चाहे वो आशा है और चाहे कोई और जिसके ऊपर संगठन ने नाम रख दिया कि ये भाजपा की ओर से कमल का निशान लेकर चुनाव लड़ेगा, फिर आशा खेदड़ भी उसके साथ पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ लगेगी, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो। उकलाना कई बात करा तो ऐड तो है ना कांग्रेस और इनेलो हेगड़ी चुटाला परिवार का दया उन्हें का डंका बजा करता, जे पार्टी आपने कमल का फूल हाथ में दे दे है इलेक्शन में तैर दे मैदान में, तो इस तरह तो दिक्कत तो बहुत होगी, आप कमल का फूल खिला दोगे उकलाना में? 100% इस बार कमल का फूल यहाँ उकलाना विधानसभा में खिलने वाला है। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस रही या इनेलो रही, अगर उन्होंने काम किया होता तो जनता ने उनका सहयोग किया होता, उन्होंने कुछ नहीं किया इसीलिए जनता ने उनको छोड़ दिया और भाजपा का दामन थामा। आप देख सकते हैं लोग जो अभी हमारे लोकसभा चुनाव हुए उसमें हम बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ से जीते हैं, और आप देखिएगा विधानसभा में उससे दुगने बहुमत से हम जीतने वाले हैं। अच्छा, नो बताओ, एक तरफ है पूर्व विधायक है नरेश चलवाल, अरमो का एक विधायक है नुबदानक, आप में उन तक की खासियत है भाई उन्नारा वगैरह आपने जीता हुए? मुझ में कोई खासियत नहीं और उनमें भी कोई कमी नहीं। मैंने जैसे आपसे कहा कि बात सिर्फ संगठन की और पार्टी की है, भाजपा संगठन हर व्यक्ति के विकास की बात करता है, हर व्यक्ति के प्रति एक भाव रखा हुआ है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, और उसी नीति के नाते हम लोग काम कर रहे हैं, और उसी को देखकर जनता ने फैसला जो लोकसभा चुनाव में किया वो विधानसभा चुनाव में होने वाला है। अच्छा, एक काम और बताओ, जो पार्टी संगठन की बात कर रहा हूँ उसमें भी कड़ियाँ आपका चर्चा है, अभी इस बार पार्टी है ना, अभी आपने टिकट देकर मैदान में उतार चुका है, लोगों की आवाज़ आप बने चुके हो, जो बताने लग रहा ताऊ ताई जिसने गामा सरपंच का नाम कौन बेरा लेकिन आशा केंद्र का नाम का बेरा है, वो मौका आपने मिल जाए है तो कुलाणा का है के विशेष करोगे आप, जो अपने दो विधायक नहीं कर पाए, तीसरा नंबर आपका लगा है तो के खास करोगे, आपका के लक्ष्य है? आप देख सकते हैं भाजपा की सरकार बनी लेकिन उकलाना विधानसभा में भाजपा का विधायक नहीं था, उसके बावजूद लगभग 450 और 500 करोड़ के बीच में उकलाना विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पैसा दिया, उस नाते आप देख सकते हैं कहीं 4 लेन की बात करें, ITI की बात करें, कॉलेज की बात करें, सड़कों की हम बात करें, हर जगह उकलाना का भरपूर विकास करने का एक प्रयास किया गया, और कहीं कोई छोटी मोटी कमी रहेगी तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार हमें बुलाया और पूछा कि आपको कहीं और किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप बताएं। जब हमारा यहाँ पे विधायक नहीं था उस समय इतना विकास हो रहा है, तो विधायक होने के बाद आप सोच सकते हैं कि उकलाना की तस्वीर बदल जाएगी। अच्छा, एक मुख्यमंत्री ने कोई यात्रा शुरू कर रखी है, जन आशीर्वाद यात्रा बोल रहा हूँ, आपने कदा होगी उकलाना में? जन आशीर्वाद यात्रा जो है, अगर मैं ज़िला हिसार की बात करूँ तो 2 तारीख को हिसार में पहुँच जाएगी, और उकलाना विधानसभा में 4 तारीख को खेड़ी चोपटा से होते हुए बरवाला से, और हम बात करते हैं मतलोडा वन भोरी यहाँ से होते हुए उचाना में एंटर करेगी,
पाँच को फिर सूर्यवाला मोड़ से होते हुए उकलाना विधानसभा से गुजर के आगे जाएगी। चार तारीख को बनभोरी का स्थान जो है वहाँ हमने एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का तय किया है, जिसके निमित्त आज आप देख सकते हैं हम गांव गांव जाकर लोगों को न्योता दे रहे हैं कि वो आएं और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के विचारों को सुने। उसी नाते हम लोग काम कर रहे हैं। जब उकलाना में आप किसा का मन होगा किसा करोगा जो करोड़ा कैथड़े तो जूते बाज कर टिकट लेंगा ऐड अपने कोई सा जूत बाजन की लग दे जूते ने बजा लें 40 हो रहे हैं। देखिए जो कार्यकर्ता भाजपा समर्पित कार्यकर्ता है वो उस रास्ते पर कभी नहीं चलता। और यहाँ उकलाना विधानसभा में जहाँ तक मैं सोचती हूँ जितने भी बंधु चाहे वो टिकटार्थी हैं चाहे नेता हैं और चाहे कार्यकर्ता हैं सब में आपसी प्रेम है और कहीं ना कहीं आपसी सहयोग की भावना है। तो चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए सब लोग मिलकर उनका सहयोग करेंगे ऐसे मेरा विश्वास है। इसमें न्यूज़ सुनना भाई देव मुख्यमंत्री की तरफ से ना पॉइंट बनाए गए हैं जो जिस कद का है भी नेता है टिकटार्थी हैं कुछ भी लगा पे पार्टी में जो अहमियत रखा है उन तक पॉइंट दिया गया है। ऐसा पॉइंट आप तक भी दिया गया को जी बनभोरी जैसे मैंने आपसे कहा बनभोरी की ड्यूटी मेरी लगी है कि मुझे वहाँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत करना है उसी के निमित्त मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा उसका कितनी की तैयारी कर रखी है हल्का निमंत्रण दे होगा गांव गांव वाले इकट्ठे होंगे किस तरह करवा कार्यक्रम बनभोरी गांव अभी तो बनभोरी में ही गए हैं हम आसपास के जो गांव हैं वहाँ मिलना हुआ सिर्फ कार्यकर्ताओं से ही मिलना हुआ अभी तो आज जैसा आप जानते हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अरुण जेटली जी हमें छोड़कर चले गए हैं तो उस नाते थोड़ा सा यात्रा में उसे रोक दिया गया है। तो देखें आगे की क्या कार्रवाई रहती है यात्रा कब शुरू होगी कहाँ आएगी इसीलिए हमने भी थोड़ा अपना प्रचार कम कर दिया आज कहीं जाना हुआ नहीं तो इसके बाद मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी एक दो दिन में जो प्रॉपर रूपरेखा है वो हमारे सामने आएगी फिर उससे संबंधित कार्य ना तो आप दावेदार बनाए तक ना टिकट मिली यू हल्का में फतूर कुकर ठहर गया है अरे एक जमा कड़वी और बताऊँ माँ मैं सर्वे कर देना गाँव में गए किसी ताई तो कहने ताई चाय बना दे कह दे ऐसा दूध पी गेट दो। हाँ मैं चाय नहीं पीती इसलिए सब जगह दूध तो पी ही लेती हूँ और बड़े प्यार से बड़े स्नेह से जैसा आपने दूध का मतलब कि है जी बिजट जावा ना उस गांव में पहले जाए पाओ आप सारा गांव में घूम रहे हो सारा हल्का में घूमे सिर पर उठा दिया हल्काजमा। मैं आपसे एक बात कह चुकी हूँ कि समाज सेवा की भावना है वो घर बैठ के नहीं होता उसके लिए आपको लोगों के बीच जाना पड़ता है और उसी नाते मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ उनकी बात सुनूँ उनकी समस्या सुनूँ और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तक उसे पहुँचाऊँ। उकलाना हल्का की जनता के तरफ कोई खास संदेश उकलाना हल्का की जनता है वो बहुत समझदार है मेरे जैसे बहुत छोटे से प्राणी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बस इतना ही कि वो आशीर्वाद दें भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो भी यहाँ कमल का फूल लेकर आए उसे अपना आशीर्वाद जरूर दें। अच्छा गांव खिद्दड़ की बात करा तो एक आखिरी सवाल आपता है भी गांव खिद्दड़ सा है जो उकलाना हल्का में हार जीत का फैसला करा है कड़ियाँ कड़ियाँ और माओ तो दुआ भी करा चलो आपने टिकट मिला है उस स्थिति में जो आपने टिकट मिल गई नहीं ये तो माहौल तो सारा बदले दे हो गया फिर विपक्ष वाले तो कि मैं तो मोदी ले बैठा कि मैं 370 ले बैठी और बस दिया खिद्दड़ वाले आशा ले बैठेगी। जैसा आपने कहा कि हल्के का सबसे बड़ा गाँव है इसमें कोई शक नहीं और मेरे गांव का प्यार और आशीर्वाद है इसीलिए आज मैं इस स्थान पर हूँ। आपने कहा कि वहाँ कांग्रेस या लोकदल का रहा ठीक है प्रभाव बहुत रहा होगा पहले में लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में आप देखिए 1187 वोटों से गांव खिद्दड़ से हम जीत के निकले जिसमें मेरे बूथ की बात करूँ तो वहाँ भी 140 वोटों से जीत हासिल हुई जैसा कि भाजपा का नारा है कि बूथ जीता चुनाव जीता तो उसी के निमित्त गाँव से हर प्रकार से जीत मिली। और आप अगर गाँव में जाएंगे तो लगभग गाँव के प्रत्येक जो मेरे बुजुर्ग हैं उनका एक ही कहना है कि गांव में अगर भाजपा संगठन आशीर्वाद दे तो हम सब बिल्कुल ईमानदारी से श्रद्धा के साथ भाजपा को आशीर्वाद देंगे न सिर्फ गांव उकलाना विधानसभा की बात करूं तो सब जगह से यही आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। अच्छा एक काम और जमा कड़वा सवाल आखिरी दूसरी बार आखिरी हो गया पहले बोल रहा था बोझ तो मेरे जी 45 किलो अब मैं और सुन दो आप सोए नहीं नहीं मैं दिन रात घूमते देखा सारे ने 10 बार की कोठी में लिया पांदे कुन को हल्कम जा रही थक दे कुन गया। जब प्यार और इतना स्नेह मिल जाए तो थकान नाम की चीज़ आसपास दिखाई नहीं देती है। आपने अभी बताया कि मैं दूध पियाती हूँ तो फिर कमज़ोर कैसे रहूँगी। आपने देखे हुए आशा रानी खिद्दड़ आपने मुलाकात करी
हल्का की जन जन की आवाज बन चुके है। बाकी तो बोले पार्टी हाईकमान फैसला करेगी किसने मैदान में उतारेगी, इन्हें उतारेगी दूसरेगी, लेकिन मेहनत में इन्हें कोई कमी कुछ छोड़ रखी। और जो हल्का के लोगों में की है ना एक आवाज बन गई है, और इनके जो उद्देश्य हैं जो आगे भविष्य सपने हैं वो भी बहुत बढ़िया दिखाई देने लग रहे हैं। और एक राजमोहन ने भी ये दिन में तो नेता अपन गुजारते देखे थे, दिन बेचारा हल्का गुजारा है, लेकिन ये तो रात ने भी जुटे खड़े हैं और पार्टी संगठन पूरा मजबूती से लग रहे हैं। मैं पास आराम तुरा उकलाना।